तो जय दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि विंडोज 11 में आप अपने फाइल एक्सप्लोरर को यहाँ पे फुली ट्रांसपेरेंट कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप विंडोज़ को यूज़ करके थोड़ा से बोर होने लगे हैं, थोड़ा से कुछ अलग सा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पर ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर विंडोज़ 11 में हूँ और यहाँ पर एनिमेटेड वॉलपेपर लगा है। अगर आपको भी ये चाहिए एनिमेटेड वॉलपेपर, तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और कुछ वॉलपेपर के लिंक भी मैंने उसमें दिए हैं, तो आप उसको चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, मेरे डेस्कटॉप पे फाइल एक्सप्लोरर ओपन है और मुझे साफ मेरा जो वॉलपेपर है वो फाइल एक्सप्लोरर से ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। प्लस अगर आप मान लीजिए किसी एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन किया, तो उसके बैकग्राउंड में क्या रन हो रहा है वो आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। और कोई और भी देखेगा तो कहेगा आपसे कि यार ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसको यहाँ पे करना, इसको इनेबल करना बड़ा आसान है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आना है इस वेबसाइट पे और यहाँ पे थोड़ा से नीचे आने पे आपको राइट साइड में जिप वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करिए और इसकी यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये डाउनलोड होगा जिप फाइल में। तो यहाँ पर फोल्डर को ओपन करिए और यहाँ पर फोल्डर पर राइट क्लिक करिए, इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कराइए, एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करिए। और एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको वो यहाँ पे कुछ फाइल देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको एक मिलेगा सिस्टम ट्रांसपेरेंसी डॉट exe। तो अभी इसको आपको यहाँ पे रन नहीं करना है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे आप मेक श्योर करके रखना कि आपके विंडोज़ 11 में डार्क थीम यहाँ पे इनेबल्ड है। बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, विंडोज़ आइकन पे राइट क्लिक करो, सेटिंग्स में जाओ, लेफ्ट हैंड मेन्यू में पर्सनलाइजेशन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पे ये डार्क थीम वाले को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके रखना, तभी आपको ज़्यादा अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो सिस्टम ट्रांसपेरेंसी वाली फाइल है, इसको हम यहाँ पे डालेंगे स्टार्टअप में, ताकि जब भी आप शटडाउन रीस्टार्ट कराएं तो ये आपका प्रॉपर यहाँ पे काम करे। तो इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अपने विंडो सर्च पर क्लिक करना है, यहाँ पर टाइप करना है स्टार्ट स्पेस मेन्यू, फिर टॉप में आपको फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू जो ऑप्शन में आ रहा है इसको पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे प्रोग्राम्स में जाइए, फिर यहाँ पे आपको सर्च करना है स्टार्टअप नाम का फोल्डर, इस पर डबल क्लिक करिए और उस फाइल को यहाँ पे आप पेस्ट करा दीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। और जैसे ही यहाँ पर ये पेस्ट हो जाए, अब इसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड मेन्यू ऑप्शन में डॉक्यूमेंट्स में जाइए और यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी सिस्टम ट्रांसपेरेंसी डॉट INI के नाम से, इसको यहाँ डबल क्लिक करिए और यहाँ पे कुछ आपको वैल्यू एंट्री देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको जो ट्रांस वाला ऑप्शन मिल रहा है, ये डिपेंड करता है कि आपको ट्रांसपेरेंसी का लेवल कितना रखना है। अगर आपको मिनिमम ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो इसको आपको बढ़ाना है, अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो इसको यहाँ पर आपको कम करना है। तो यहाँ पर फिलहाल हम इसको 200 ही रखेंगे और उसके बाद एक्सप्लोरर वाले ऑप्शन में आपको 0 मिलेगा, इसको यहाँ पर आपको 1 कर देना है। बस इतना करने के बाद फाइल पे क्लिक करिए, सेव पे क्लिक करिए और इसे यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब उसके बाद दोबारा से आपको बैक आना है स्टार्टअप वाले फोल्डर में, यहाँ पे सिस्टम ट्रांसपेरेंसी डॉट exe वाले पे आप यहाँ डबल क्लिक करिए, फिर उसके बाद बिल्कुल नीचे सिस्टम ट्रे आइकन पे आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको इसका सिस्टम ट्रांसपेरेंसी का आइकन मिलेगा, इस पर राइट क्लिक करके सेटअप एंड इन्फो पे क्लिक करिए और यहाँ पे जो आपने एक्सप्लोरर की वैल्यू डाल रखी थी ट्रांसपेरेंसी की, जैसे हमने वहाँ पे 200 ही रखा था, तो वो 200 यहाँ पे रखना है। अगर वहाँ पे आप 220 करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 220 करना है। उसके बाद अप्लाई ऑल एक्सप्लोरर विंडो पे क्लिक करिए, चेकबॉक्स पे क्लिक करिए और ओके पे यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। बस काम ख़त्म। अब इसके बाद अब फाइल एक्सप्लोरर को अगर हम यहाँ पर ओपन करें तो देखिए, ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। अब इस ट्रांसपेरेंसी लेवल को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको उसी डॉक्यूमेंट्स में जाना है, सिस्टम ट्रांसपेरेंसी डॉट INI में, इसको यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस हिसाब से जो भी आपको बेस्ट लगे वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो दैट्स ऑल गाइस, होपफुली आपके लिए आज का ये छोटा सा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।